आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चीज़ कॉर्न बॉल की रेसिपी। कभी कभी चीज़ बॉल बनाते वक्त ऐसा होता है कि तिल में वो खुल जाते हैं और पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। आज के आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने वो सारे वो टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जिससे कि आपके चीज़ बॉल कभी भी तेल में नहीं खुलेंगे, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम चीज़ी रहेंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। चीज़ कॉर्न बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप स्वीट कॉर्न लिया है। स्वीट कॉर्न को उबाल के और मिक्सर में दरदरा पीस ले। थोड़े से स्वीट कॉर्न आप इसमें ऐसे ही डालें, इससे थोड़ा सा क्रंच अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसके साथ 1/4 कप हम बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। 2 उबले हुए आलू ऐसे मैश करके डाल दें इसमें। इसके बाद हम इसमें 3/4 कप चीज़ डाल देंगे। तो चीज़ को मैंने पहले से ग्रेट कर लिया है। चीज़ डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच मिक्स्ड हर्ब डाल देंगे। बड़ा चम्मच मिक्स्ड हर्ब डालें। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें। 1 छोटा चम्मच हम इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच काला नमक डाल दें, ये इसमें ऑप्शनल है। 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें कूटा हुआ काली मिर्च या फिर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और लास्ट में थोड़ा सा नमक डाल दें। ध्यान रहे कि चीज़ में नमक रहता है, प्लस हमने इसमें काला नमक डाला है तो नमक आपको कम इस्तेमाल करना है। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। इस मिक्सचर को बनाने के लिए मैं मैदा या फिर ब्रेड क्रम्स नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि उसे हम कोटिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर दें और ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। तब हम क्या करेंगे कि हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हाथों को तेल से ग्रीस कर ले ताकि आलू जो है वो आपके हाथ पे चिपके नहीं, और उसके बाद ऐसे छोटे छोटे जैसे टेनिस बॉल होते हैं ना, उससे भी छोटे ऐसे बॉल्स बना ले आप, ये देखिए। तो सेम प्रोसेस से पहले हम सारे बॉल्स बना के रख लेंगे, उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कोटिंग करने के प्रोसेस में। तो कोटिंग का मिक्सचर बनाने के लिए हम एक बर्तन में 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेंगे और बराबर मात्रा में यानी 2 बड़े चम्मच हम इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा और जो कॉर्नफ्लोर है उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगैनो डाल देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर ऑरिगैनो डाला मैंने, थोड़ा सा नमक मतलब 1/3 छोटा चम्मच नमक डाल दें और उसके बाद पानी डाल के हम इसका एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे। ध्यान रहे कि ये बैटर आपको थिक बनाना है क्योंकि हमें आलू की कोटिंग करनी है। तो अगर ये बैटर जो है वो पतला हो गया ना तो इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो है वो अच्छे से चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है, ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी रखे। तो यहाँ पे मैंने बैटर रेडी रखा है और इसके साथ 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स आप एक थाली में डाल दें, पूरा एक साथ नहीं डालें, और इसके बाद इसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। अब हम ये जो चीज़ और आलू के बॉल्स है इसे हम पहले कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे और उसके बाद इस ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर डाल के और इसे कोट कर दें। ध्यान रहे कि हमें चीज़ बॉल बनाते वक्त इस बॉल को 2 बार कोट करना है। अगर आप इसे 1 बार कोट करेंगे तो ये तेल में खुल जाएंगे। तो इस टिप का आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे 1 कोटिंग मैंने कर दी है, अभी हम इसको डबल कोट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि बारी बारी से दोनों प्रोसेस दिखाती हूँ, मतलब पहले 1 बार सिंगल कोट करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अगर आप इसमें चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो ये सिंगल कोट में भी अच्छा फ्राई हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें चीज़ ऐड करेंगे तो आपको इसको डबल कोट करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कोटिंग कर ली है। सेम बैटर में हम सेम प्रोसेस वापस से रिपीट करेंगे। ये देखिए बॉल को वापस डिप करें और उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे। इससे क्या होगा कि चीज़ जैसे ही मेल्ट होना शुरू होगी ना, ऊपर की लेयर ब्राउन हो जाएगी और आप इसे फटाफट निकाल सकते हैं। तो अंदर से चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, ऊपर की लेयर क्रिस्पी रहेगी और ये तेल में खुलेंगे नहीं। तो जब भी आप चीज़ बॉल बनाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चीज़ बॉल को आपको 2 बार कोट करना है। सिंगल कोट में जैसा कि मैंने पहले भी बताया तेल में खुल जाएंगे और आपका पूरा तेल वेस्ट हो जाएगा, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये 2 बार मैंने कोट कर दिया है, ये देखिए। आप चाहिए तो ऐसे कोट करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब आपको खाना है तब आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस से बाकी को हम डबल कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों प्रोसेस दिखा दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ बॉल को डबल कोट किया है, ये देखिए साइज में भी बड़े हो जाते हैं डबल कोट करने से। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म रखे
और तेल के गर्म होते ही एक चीज़ बॉल पहले आप उसमें डाल के चेक कर लें कि कहीं ये खुल तो नहीं रहा है। अगर आपका चीज़ बॉल खुल रहा है तो आप उसकी कोटिंग फिर से करें। और यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे गर्म तेल डालें, इसके ऊपर हमने जो ब्रेड क्रम्स लगाया है ना, तो गर्म तेल में जाते ही ये तुरंत ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही कम समय में ये ऐसा कलर आ जाएगा, तभी आपको इसे निकाल लेना है। अगर आप मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो चीज़ जो है वो अंदर से जल्दी मेल्ट होने लगेगा और ये तेल में खुलने लगेंगे। तो ध्यान रखिए कि आपको इसे हाई फ्लेम पे ऐसे तुरंत इसके ऊपर गरम तेल डाल के ऐसे पलट पलट के तुरंत फ्राई करके निकाल लेना है। एकदम गुलाब जामुन वाला कलर जैसे ही दिखेगा ना, वैसे ही आपको निकाल लेना है। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप थोड़ा वेट करें और तेल का टेम्परेचर कम हो जाने दें। तो यहाँ पे हमने सेम प्रोसेस से सारे चीज़ बॉल को फ्राई कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे जो हमने नॉर्मल तेल में डाला था ना, वो एकदम ऐसे सही दिख रहे हैं, और जो ज़्यादा गर्म तेल में गए वो यहाँ पे ऐसे थोड़े से खुलने लगे हैं। मतलब अगर थोड़ा भी ज़्यादा आपने पकाया तो चीज़ बॉल खुलने लगेंगे। तो इसी तरीके से आप सारी चीज़ बॉल बना लें और अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे ये देखिए, दिखने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी। और यहाँ पे एक चीज़ बॉल मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट और चीज़ी है ना, मज़ेदार रेसिपी। तो आप इस चीज़ बॉल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा।